नमस्कार दोस्तों। मैं दोस्तों सबसे पहले आपके सामने 18 आज 2018 की 9 वाली मतलब कि आज की फर्स्ट शिफ्ट वाली क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने आशा करता हूँ लेके आया हूँगा दोस्तों। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूँ और बहुत सारे टॉपिक मैं आप यहाँ पर बताने वाला हूँ गाइस। आप पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में सारी बात समझ में आएगी। और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना तो वहाँ जुड़ जाइए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। और वहाँ आप चाहते हो क्वेश्चन भी सेट हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। और दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने रेलवे ग्रुप डी वाले 18/9/18 आज की है फर्स्ट पाली में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जल्दी से देख लीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी गाइस। अब बताओ मेन टॉपिक को जो आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो साइंस से बहुत भारी भारी क्वेश्चन दोस्तों पूछी गई है, देख लो दोस्तों। दोस्तों पहले मैं हिमाचल प्रदेश वाला में पूछा गया था जीएसटी कब लागू होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जीएसटी कब लागू हुआ था, ठीक है, माफ करना मुझे, जीएसटी कब लागू हुआ था ये क्वेश्चन दोस्तों आया था, जो कि 2017 में अप्रैल में हुआ था। और दोस्तों फिर आया था कि आरबीआई गवर्नर कौन है, ठीक है, आरबीआई के जो अभी वर्तमान गवर्नर कौन अभी कार्य कर रहे हैं, इस पर ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपको फर्स्ट पारी में है। फिर दोस्तों आया था जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स, ये देखो ये दोस्तों ये वाला दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आया था जो कि आज की प्रथम शिफ्ट में पूछी गई है। अब दोस्तों ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू हुआ था, ये दोस्तों देख लेना, जितनी भी योजना है ना हर में एक आ ही रही है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लियर सब करनी ही होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था। और फिर आया था दोस्तों ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ये देख लो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ब्लड का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.4, ये दोस्तों आप देख लेना खुद से, आप हो जाना क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछी जा रही है हर बार में, पीएच मान की बहुत एक में आई थी, आंवला की पीएच मान कितनी होती है फिर पूछी गई थी दोस्तों। आप आता हूँ दोस्तों मैथ में भाई अभी मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, आप लोग निश्चिंत रहे दोस्तों, अभी तक नीचे व्हाट्सएप ग्रुप चलो जाइए, आपको नीचे लेके मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को दोस्तों। ये देख लीजिए, ये पूछा गया था साइन थीटा माइनस कॉस इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो साइन दी पावर 4 थीटा साइन दी पावर ए वन, देखो यहाँ पर साइन दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस दी पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार त्रिकोणमिति से पूछे जा रहे हैं। साइन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, देखो जहाँ आप देख लो। अब दोस्तों आता हूँ, देखो सीआईएसआई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, सीआईएसआई से देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना होता है, यहाँ पर यहाँ पी दिया हुआ है 50,000, आर दिया हुआ है 12%, तो ब्याज कितना था ये भी आपको साथ निकालना था। अब आपको पी आर पता है और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी 6 माही दे है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालना था, आपको सीआई वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था दोस्तों, चुटकी बताएंगे बना देगा, ये आसान आसान मैथ में दी जा रही है। अब दोस्तों अगर मैथ में एक सवाल और आई थी, मैंने कह दिया कि दो सवाल आ रहे हैं त्रिकोणमिति से, ठीक है, अगर दो सवाल आ रहे हैं, एक सवाल दोस्तों आई थी कि साइन 60° प्लस कॉस 60° प्लस कॉट 45 पूछा गया था पहला क्वेश्चन, ये देख लो बहुत भारी क्वेश्चन है साइंस की, कि मिनी माटा बीमारी किससे होती है, मिनी माटा, ठीक है, ये आप खुद से जाकर सर्च कर लेना, मैं बस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ आंसर नहीं। अब दोस्तों एक आया था कौन सी हार्मोन से पौधे रोशनी की तरफ झुकते हैं, मतलब सूर्य की रोशनी होती है उसके तरफ कौन से हार्मोन कारण सूर्य की रोशनी अट्रैक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दोस्तों आया था आरएच फैक्टर होती है ना वो पीएच वन वाली, उसका वो किसने उसको खोजा था दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था। फिर एक आया था व्हाइट फाइबर कहाँ मौजूद होता है, दोस्तों बताता हूँ कि मांसपेशियां मौजूद होती है, मांसपेशियां मसल्स में व्हाइट फाइबर श्वेत रक्त कोशिका ये वाली व्हाइट फाइबर होते हैं उजले टाइप के, वो हमारे मांसपेशियां में उपस्थित होते हैं। फिर दोस्तों पूछा गया था कि मरुस्थल में उगे पौधे को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये बात देख लो दोस्तों, मरुस्थल में जो उगता है पौधा उसको हम लोग क्या बोलते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पर पूछा गया था कि हार्वेस्ट मेटल किसे कहते हैं, हार्वेस्ट एक मिनट रुक जाओ आप लोग, हाँ तो दोस्तों माफ करना दोस्तों, हार्वेस्ट मेटल वाला ये दोस्तों पढ़ लिया, सबसे भारी धातु सबसे हल्का धातु ये आप पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रही है दोस्तों। ये थी अपने क्वेश्चन जो अभी आप फर्स्ट पाली में 18 तारीख को भेजेंगे, मैं लगातार आपको अपडेट नीचे देते रहूंगा। अगर अभी भी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और उसका पीडीएफ लाइक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे पीडीएफ लिंक दोस्तों। चलिए फिर मिलूंगा, अब वीडियो को अगर हमसे मुझसे गलती हुआ होगा दोस्तों तो मुझे माफ कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में इतना फास्ट बनाऊँ गलती तो हो ही सकता है दोस्तों। चलिए फिर मिलूंगा, नहीं तो सब्सक्राइब जो कीजिए चैनल को, तो नमस्कार, फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।